board doesn't fall within the purview of Article 25 and 26 of the Constitution of India. दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को भी हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए सर, काफी अमेंडमेंट होने के बाद, मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्त का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था, जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहाँ सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पस के लाया गया वो सर्व कर रहे हैं। कई कमिटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा, लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है, और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे, और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है, उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। मैं आज इस सदन में आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है, और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है,
और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई या इस मुद्दे को लेकर के कमेटियां और अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्त इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था, और 1976 वक्त इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया है, मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्त इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है, सारा वक्त बोर्ड्स जो है मुतवालीस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्त इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है, लिटिगेशंस और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं, दो कमेटियों के बारे में, ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही बनाया गया था। सबसे पहले हाई लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सचर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था, यूपीए का सरकार आ चुके थे, और ये स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ये गठन हुआ। और सचर कमेटी का जो रिपोर्ट है ये हम सब मालूम है, मैं सिर्फ रेलेवेंट पोर्शन आज इस सदन में बताना चाहता हूं। सचर कमेटी का जो पहला रिकमेंडेशन है, इसमें कहा गया है एनुअल इनकम जितना वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टीज है, 4.9 लाख रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ 163 करोड़ ही आमदनी जनरेट होता है, ये किसी भी रूप से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इसको एफिशिएंट तरीके से, मार्केट तरीके से, जिस तरीके से मैनेज होना चाहिए सारा वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर सही माने में उस समय उन्होंने कहा उस सचर कमेटी ने, तो उस समय 12,000 करोड़ रुपया पर एनम मिलता है, और उस समय जनरेट हो रहा था 162 करोड़। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि वो कमेटी का रिपोर्ट है और मैं माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्री होने के नाते जो हम लोगों ने स्टडी किया है, टोटल 8,72,320 वक्फ प्रॉपर्टीज, हमारा जो वामसी जो पोर्टल है उससे पूरा डिटरमिन नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू सचर कमेटी ने जो कहा है उससे कई गुना अधिक होने का संभावना है, ये एक आम अंडरस्टैंडिंग की बात है। सबको मालूम है वक्फ के पास कितना प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड के पास, और कितना आमदनी है। दूसरा सर सचर कमेटी का रिकमेंडेशन, सचर कमेटी ने आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए,
जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमिटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है, उससे काफी नहीं है। इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। यह सचर कमिटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट है। इसमें सर दो महिला सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में होना चाहिए, यह भी सचर कमिटी का ही रिकमेंडेशन है। सेक्रेटरी जो होते हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस स्तर का ऑफिसर होना चाहिए। उसमें अंडर सेक्रेटरी का जूनियर ऑफिसर लेवल जो बनाया है, उसको आप रैंक को ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक उसको उठाना चाहिए। ये उसी कमिटी का रिपोर्ट में आया है। और जो स्टेट में वक्फ बोर्ड है, उसमें क्लास वन ऑफिसर होना चाहिए। सचर कमिटी ने सीधा सीधा ये कहा है कि प्राथमिकता महिलाओं और बच्चों को दिया जाना चाहिए। हम आज का जो बिल आपके सामने में पेश कर रहे हैं, ये उसी सचर कमिटी का रिपोर्ट के अनुसार सेम परसेंट हम यहाँ आपके सामने में लाया जा रहा है। और आप हम आपको तो खुश होना चाहिए, ये कमिटी आपने बनाया सर। हमने शांति से इनके बात सुना। अध्यक्ष महोदय जी, ये सीनियर मेंबर है, इस तरह से बीच बीच में उठ के बोलना ठीक बात नहीं है। आपको तो नियम मालूम है सर। दूसरा कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका अध्यक्षता के रहमान खान जी, उस समय कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी मंत्री रहा है, उनके डिप्टी स्पीकर भी रहा, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा में रहा है, और उन्हीं के अध्यक्षता में पूरा पार्टी के सदस्य हमारा भारतीय जनता पार्टी से भी मेंबर थे उस जेपीसी में सर। सीधा सीधा वक्फ बोर्ड के बारे में कहा गया है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, वहाँ मैन पावर टोटली इनसफिशिएंट है, इनकम्पिटेंट है, और फंड इतना कम है, सही मैनेज नहीं किया गया है। इस तरीके से वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता है। दूसरा मुटावालीज के बारे में कहा है कि लगता है सारा वक्फ बोर्ड का ध्यान किसको मुटावाली बनाना है और उसको कैसे हटाना है, इसी में केंद्रित है, इसलिए उसका प्रावधान को हटाना चाहिए। फिर कहा गया है डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जितने भी है, उसको प्रॉपर से मेंटेन करने का भी प्रावधान वक्फ बोर्ड में नहीं है, उसको किया जाना चाहिए। और वक्फ बोर्ड मौजूदा जितना है देश भर में, उसको फिर से सर्वे होना चाहिए। और गरीब मुसलमानों के लिए और वक्फ बोर्ड का अपना अंदर में सही चीज का, चाहे वो लीगल मैटर हो और कोई भी चीज हो, उसका एक्सपर्ट्स लॉयर्स वहां, उनका एक्सपर्ट लोगों का और भी लोगों को अंदर लाने का जरूरत है, ताकि वो ज्यादा चुरुस्त दुरुस्त हो सके। जो पार्लियामेंट्री कमेटी का और सजेशन है, टोटल वक्फ बोर्ड को कंप्यूटराइजेशन करना चाहिए, डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना चाहिए, और म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए, जितना भी वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी है। ये सचर कमेटी ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। और सर, आप सबको भी एक बार वो कमेटी का रिपोर्ट मैं आपके आपको ही दे देता हूं, ताकि आप भी पढ़े फिर से। और सर, टोटल जो 1995 वक्फ एक्ट को फिर से मजबूती से रीलुक करना चाहिए, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का ही रिपोर्ट है। और एक आपने अपॉइंट किया, अब देखिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, आपको मैं मेंबर का नाम भी दे देता हूं, चेयरमैन का तो नाम मैंने बता दिया, आपका वरिष्ठ नेता थे, आपने अपॉइंट किया, ये सारा रिकमेंडेशन आज आप तो हमको शाबाशी देना चाहिए, जो आप नहीं कर पाया वो हम ला रहे हैं सदन में। सारा का सारे प्रॉब्लम्स, सारा का सारा सजेशन, ये उस समय सबको मालूम कर चुके हैं। इसलिए सर, राहुल जी कन्विंस हो, ये मन ही मन में सब कन्विंस है, ये
राजनीतिक दबाव में अपोज कर रहे हैं, अंदर अंदर सब लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे मालूम है अध्यक्ष मोदी जी। सर राहुल गांधी सहमत होते जा रहे हैं, राहुल गांधी जी तो अभी बाहर निकले हैं, लेकिन सहमत देख कर कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। सर मैं इसी बीच कुछ इंडिविजुअल केसेस और कंसल्टेशन जो हम आज बिल लाया है, कुछ सदस्यों ने कहा है कि और कंसल्टेशन होना चाहिए था, आपको मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं जितना कंसल्टेशन प्रोसेस पिछले 10 सालों में किया गया है आज तो किसी सरकार ने इतना स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं किया है। मैं आपको बताऊंगा अभी, आप सिर्फ शांति से सुनिए। सर मैं फिर से कहता हूं, जो संविधान का हवाला दे करके बिल का जो पर्पस को मंशा को गलत धारणा दे करके मिसलीड करना चाहता है, मैं फिर से कहना चाहता हूं सर, अगर कोई भी बोर्ड हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर कुछ काम ऐसा करता है जिसको कोर्ट में रिव्यू करना है तो इसमें सर गलत बात क्या है? अगर ट्राइब्यूनल का फैसला गलत है, अगर उसमें कोर्ट में अपील करने का प्रावधान देते हैं, उसमें गैर संवैधानिक कैसे हो गया ये बताइए आप। आप अगर तर्क रखते हैं तो आप उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा सर। अगर सर ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्त बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं।